सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एडसिल कंपनी में असिस्टेंट लीगल मैनेजर की पोस्ट के लिए जॉब वैकेंसी आई हुई है जो कि लॉ ग्रेजुएट्स के लिए है। तो इसमें हम चलिए देखते हैं कि क्या क्या आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करनी होगी, क्या इसमें सैलरी पैकेज है। इसमें एक बहुत अच्छा हैंडसम सैलरी पैकेज भी प्रोवाइड किया जा रहा है कंपनी के द्वारा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मैं फ्यूचर में कोई भी जॉब लीगल जॉब से रिलेटेड या कोई भी लीगल फील्ड से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन एज सून एज पॉसिबल आपको मिल सके। सो अगर हम बात करते हैं कंपनी के बारे में, द एडसिल लिमिटेड इज़ मिनी रत्ना कंपनी कैटेगरी एंड कॉन्टीन्यूसली प्रॉफिट मेकिंग एंड फास्ट ग्रोइंग CPSC अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफरिंग फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज इन ऑल एरियाज ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सो आपने कंपनी को कुछ इस तरह देखा। साथ ही अगर हम बात करते हैं कि इसमें आपको किस जॉब पोस्ट के लिए लीगल वैकेंसी आई हुई है, तो इसमें आपको असिस्टेंट लीगल मैनेजर के लिए जॉब वैकेंसी लाई गई है। साथ ही इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको बैचलर डिग्री इन लॉ होने चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट विथ 3 ईयर्स फुल टाइम कोर्स और अ 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड फुल टाइम कोर्स के साथ। अगर आपके पास LLM की डिग्री है तो उसमें आपको प्रेफरेंस दी जा सकती है। साथ ही इसमें आपको मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन लीगल एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपको मिनिमम पे स्केल 40,000 to 140,000 रुपीस पर मंथ का होना चाहिए, डैट इज़ 12 लाख CTC पर एनम। अगर हम बात करते हैं कि इसमें और क्या क्वालिफिकेशन आपको प्रेफरेंस दी जा सकती है, तो इसमें मिनिमम अगर आपको 3 ईयर का क्वालिफिकेशन होगा, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होगा एज अ लीगल एज अ सुपरवाइज़र एंड द पे स्केल ऑफ द 37,500 to 1,31,800 में, तब भी आपको इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें अगर हम बात करते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब में आपको क्या परफॉर्म करना होगा, देन यू हैव टू डू अ ड्राफ्टिंग एंड वेटिंग ऑफ एग्रीमेंट टेंडर प्रपोजल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपको प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री अदर एविडेंसेज इन द लीगल प्रोसीडिंग डॉक्यूमेंटेशन, साथ ही इसमें आपको स्टेटूटरी कंप्लायंस अंडर द वेरियस लॉज रूल्स रेगुलेशंस रिलेटेड टू द लेबर लॉज, इसमें आपको प्रोविडेंट फंड एक्ट टैक्स लॉज एंड अदर एप्लीकेबल लॉज से रिलेटेड आपको वर्क परफॉर्म करना होगा। इसमें आपको प्रिपेयर करना होगा केस फाइल्स रेट्स एंड कोऑर्डिनेशन विद द एम्पैनल लॉयर्स, साथ ही प्रोवाइड असिस्टेंस इन एग्जिस्टिंग आर्बिट्रेशन कोर्ट केसेस RTI मैटर्स पब्लिक ग्रीवांसेस एट्सेट्रा। अगर हम इसमें बात करते हैं कि आपको मिनिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सो यू शुड नॉट बी अबव द 30 ईयर्स ऑफ एज, मतलब आपको 30 ईयर के अंडर में होने चाहिए और इसमें एप्लीकेशन के लिए आपको कोई फ़ी नहीं लगानी है। साथ ही आपकी सैलरी की बात करें, इसमें जैसा मैंने बताया कि काफ़ी अच्छी सैलरी पैकेज है, दैट इज़ 40,000 rupees पर मंथ टू 1,40,000 तक इसमें इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है, दैट इज़ द 13 lakh rupees पर एनम का इसमें CTC है। जॉब लोकेशन की बात अगर हम करते हैं तो जॉब लोकेशन इसमें आपको नोएडा उत्तर प्रदेश इंडिया में परफॉर्म करना है। इसमें आपको ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, वहां से आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं और अप्लाई करते ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे मैं फ्यूचर में कोई भी लीगल जॉब या लीगल फील्ड से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको एज सून एज पॉसिबल मिल सके। थैंक यू सो मच।